हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मजे में। आज मैं आपको करवाता हूँ जो आपका एक टेस्ट हुआ था अप्रैल यूटी, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। क्योंकि अगर जूम ऐप पे करेंगे तो बेटा उसको काफी टाइम हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लिमिट जो होती है जूम ऐप पे वो कम होती है। तो आपको कंप्लीट है, बस जो पेपर हमारा उस कंप्लीट पेपर को सोल्व कर देता है और ऐप में, ठीक है? तो उसको नोट्स में अपनी एक जो फेयर नोटबुक है उसके अंदर नोट कर लेना। तो बेटा शुरू से लग जाओ, पर सारे ध्यान से सुनना। जो आपने क्या क्या गलतियां की थी वो भी सुनना है। पर आपने मैं सब बताता हूँ उसके अंदर एक एक करके, जो जो गलती आपने की है वो क्या करना चाहिए उसके जगह वो सब बता रहा होगा, ठीक है? तो जैसे देखो, आपको फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन था, डिफाइन द टर्म मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स इन ए कंडक्टर। मोबिलिटी आपने पता है क्या लिखा? आपने लिखा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट कैरियर्स या करंट। अरे बेटा वो ओनली उसका सिग्निफिकेंस होता है, उसका मतलब होता है, ठीक है? मोबिलिटी क्या करती है, मोबिलिटी का होता क्या है। उसने पूछा उसको डिफाइन करो टर्म मोबिलिटी को, और उसमें रिलेशन बताओ उसका किसके साथ, रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो मोबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, डेफिनेशन होती है, वो होती है द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होती मोबिलिटी की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ये, सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है? क्या द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। और रिलेशन जो इसकी थी मोबिलिटी की वो ये थी बेटा, मैं इसको ड्राइव किया था तो वीडी क्या थी, ई इंटू टाउ और डिवाइड बाय एम, ये होती थी वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप इसके जरिए ये पुट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ई से ई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो जो मोबिलिटी आ जाएगा वो आ जाएगा ई टाउ डिवाइड बाय एम। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मोबिलिटी मोबिलिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। आपको ये करना था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। बहुत ज्यादा बच्चों को गलत है, बहुत ज्यादा बच्चों का। उसके बाद नंबर सेकेंड, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिलेक्ट ए कार्बन रजिस्टर। यू आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट ए कार्बन रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 47 किलो ओम, 47 किलो ओम, ठीक है? 47 किलो ओम एंड प्लस माइनस 10% कार्बन रजिस्टर है। आपको उसको कलर की सीक्वेंस बतानी थी, तो मैंने आपको इधर करवा रखा है सेम डिटो ये क्वेश्चन। तो क्या आएगा ये, इसको हम लिखेंगे ना 47 × 10^3 एंड प्लस माइनस 10%, हम इसको ये कह सकते हैं। अब इसके लिए आपको कलर कोडिंग के लिए आपको क्या बताया था, उनके जो ये सिंपल लाइन बताई थी आपको मैंने उसको याद करने के लिए, बीपी रो ग्रेट ब्रिटेन वाले। तो उसके अंदर जो फोर नंबर आता है किस पे आता है, BBRO Y। तो ये फोर नंबर वाई, वाई क्या है, येलो। तो पहला जो कलर आया वो कौन सा हो गया, येलो। फिर ग्रेट ब्रिटेन वेरी वी, तो सातवां नंबर पे वॉयलेट। फिर क्या है, 10^3 थर्ड नंबर, तो क्या था, BBRO, तो ओ आएगा ऑरेंज। तो तीन तो ये हो गए, और जो 10%, 5% एंड 20% ये तीन थे ना, तो 5% गोल्ड के लिए था, 10% सिल्वर के लिए एंड सिल्वर। ये इसकी सीक्वेंस आएगी, फर्स्ट कलर होगा ये, सेकंड होगा ये, थर्ड होगा ये, फोर्थ होगा ये, ठीक है? ये सीक्वेंस ऑफ कलर्स होंगे बेटा, सेकंड हो गया, ठीक है? आगे चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड नोट करना इसको, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को नोट करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या है बेटा, ग्राफ बना रखा उसमें एक गैलियम आर्सेनिक का, ये थोड़ा सा ज्यादा उसने कर्व कर दिया बनाने वाले थोड़ा सा, ये तो ये ग्राफ ऐसे मैंने आपको नोटबुक में बना रखा है, ऐसे बना रखा है। इसमें ये नाम याद रखे बी, यहां कर्व है ये पॉइंट था सी, ये पॉइंट था डी और ये पॉइंट है ई, ठीक है? उस प्रश्न ये पूछ रहा था, गैलियम आर्सेनिक का होता है, पता था मैंने, ये जो ग्राफ होता है नाम से भी आता है,
कि IV characteristics बनाओ for the gallium arsenic. तो ये graph ऐसे कैसे बनाना है, ये point मत डालो. वैसे मैंने आपको बताया था ना क्या कि कहाँ पे ओम्स लॉ को ओबे करता है, उस लेक्चर के अंदर सुनना कहाँ इसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उसमें सब मैं बता रखा है. तो वो ग्राफ बना के उसमें वो डिपिक्ट करना है, उसमें वो दिखाना है उसको. नेगेटिव रेजिस्टेंस कौन सा होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस दिखाते हैं कैसे बेटा, याद होगा स्लोप, उसका स्लोप, क्योंकि आई एंड वी वी आई ग्राफ के अंदर जो ये स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को. तो यहाँ जो नेगेटिव स्लोप बन रहा है वो ये बन रहा है ना, ये बन रहा है नेगेटिव स्लोप. यहां डाल के देख लो सर, यहां जो लाइन डालोगे तो ये जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ ये ग्रेटर देन क्या होगा 90, और जो एंगल ग्रेटर देन 90 होता है उसके लिए क्या बनेगा बेटा, वो किसके किसको दिखाता है स्लोप, नेगेटिव स्लोप को. तो यहां जो एम है, एम का मतलब स्लोप, वो स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप है. इसका मतलब डी के बाद जो भी लाइन आएगी, ये जो बी से लेकर ई तक जो लाइन जा रही है वो कैसे नेगेटिव है, उसके बाद यहां डालोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा वापस, ठीक है. तो नेगेटिव स्लोप कौन सा है, डी ई, कहीं डाल रखा है पॉइंट ओनली डी या फिर ई, नहीं डी ई, ये जो हमारा जो दे रखा है कर्व दे रखा है डी टू ई तक, ये जो ग्राफ है ये दिखाएगा नेगेटिव रेजिस्टेंस को. फर्स्ट पॉइंट, उसका फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा डी ई, डी टू ई कह सकते हो या डी ई. उसके बाद था वेर ओम्स लॉ ओबे, ओम्स लॉ ओबे का मतलब आपको कंडीशन क्या बताया, ओम्स लॉ ओबे का मतलब ये था कि जिसमें वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन में हो, V में और I में ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो ओम्स लॉ को ओबे करता है, और जिसमें स्ट्रेट लाइन नहीं हो, नॉन लीनियर कर्व बनता हो, वो ओबे नहीं करता है. तो यहां पे तो ओनली यहां से लेकर यहां तक करता है ना, तो आप लिखो ना अप टू B, सेकंड पार्ट पे लिखोगे अप टू B, B तक ओनली, ठीक है. उसके बाद में आप नाम डालो अपनी मर्जी से, तो अपने मर्जी नाम डाल दो, OB नाम डाल सकते हो उसको, ठीक है. तो सेकंड का ये आएगा, ये बहुत ही बच्चों का एक आध बच्चों का सही था, बाकी सबका गलत था ये. तो जो ओम्स लॉ को ओबे करेगा उसके लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, लाइन स्ट्रेट है तो बी से सी, नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटा ये, तो ये उसको ओबे नहीं करेगा. करो नोट करना इसको, ठीक है. क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर ग्राफ था ये भी, किस किस में ग्राफ था, ये था ग्राफ V में और Q में, कर्व रखे मैंने आपको ये भी A B, इसमें ये बताना था कैपेसिटेंस किसकी ज्यादा है. पहली बात तो ये पूछा जाए, इसके अंदर स्लोप होता है वो रिप्रेजेंट करता है ना कैपेसिटेंस को, डिवाइड करके देख लिया करो, V by Q 1 by C बनेगा, Q by V C बन जाएगा. तो डिवाइड करके देखोगे तो डिवाइड से अगर जो आंसर आता है वो स्लोप से स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और मल्टीप्लाई से आता है वो एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे स्लोप से डिवाइड करें है ना, तो डिवाइड करने से क्या है स्लोप आएगा. तो v by q करोगे तो 1 by c आएगा, q by v करोगे तो c आ जाएगा, ये होता है q equal to cv. तो जो c आएगा वो क्या आएगा q by v, जो दोनों के डिवीजन से डिवाइड करने से आता है. इसका मतलब जो स्लोप है वो स्लोप रिप्रेजेंट किसको करेगा, कैपेसिटेंस को, स्लोप रिप्रेजेंट कैपेसिटेंस, स्लोप रिप्रेजेंट कैपेसिटेंस. मैंने आपको दो तरीके से समझा देते हैं, मैं आपको फिर से आपको इसको दोनों तरीके समझा देता हूं. ऊपर वाला नोट कर लिया, ठीक है. देखो मैंने आपको इसके दो तरीके बताए थे, क्या क्या बताए थे देखो. एक तो मैंने आपको ये कहा था कि स्लोप से निकाल लो, स्लोप से निकालोगे तो क्या होगा बेटा, इसको एंगल मान लेना, मैं यहां बनाता हूं दोबारा से, पर ये वी ये क्यू ये ए, ए ए है ना और बी ये है, तो इसको एंगल मान लेना थीटा वन, इसको मान लेना थीटा टू, या थीटा ए कर देना थीटा बी कर देना, ओके. आप इसमें देखो कौन सा स्लोप ज्यादा है, ए का, टेंजेंट थीटा ए ग्रेटर देन टेंजेंट थीटा बी के, ठीक है. और टेन थीटा जो यहां पे होगा, और टेन थीटा किसके बराबर आएगा, वी बाई क्यू के, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस वी बाई क्यू के. और वी बाई क्यू क्या होता है, वन बाय सी होता है, वी बाई क्यू क्या है, वन बाय सी. इसका मतलब जो टेन थीटा है वो सी के क्या इनवर्स है, यानी यहां जो स्लोप है
वो सी के इनवर्स है। इसका मतलब जिसका किसका स्लोप ज्यादा है, ए का ज्यादा है, उसका उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, कम। तो हम कह सकते हैं सीधा सी ए होगी वो कम होगी किसके, सी बी के। आई बात समझ में, यहां टैन थीटा स्लोप ए का ज्यादा है बी से, और टैन थीटा यहां क्या बनेगा वी बाई क्यू, और जो किसके बराबर होता है वन बाई सी के। इसका स्लोप क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। हाँ अगर ये ऐसे होता, अगर ये ग्राफ ऐसे होता, ये होता Q, ये होता V, ये है पॉइंट, यानी ये कर्व है A और ये B, तो इसका ये आ जाता स्लोप एंगल थीटा A और ये हो जाता थीटा B। तो इसको कैसे करते, इसको हम क्या करते बेटा, यहां भी वही बात है, tan थीटा A तो ग्रेटर होता किससे, tan थीटा B से, और यहां जब tan थीटा निकालोगे तो tan थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर क्या है Q, Q डिवाइड बाय V, और Q डिवाइड बाय V क्या होता है C। इसका मतलब जो टेंजेंट थीटा है, टेन थीटा का मतलब स्लोप है, वो C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब यहाँ पे किसका टेन थीटा ज्यादा, A का, तो A का स्लोप ज्यादा है किससे, B से, तो कैपेसिटेंस किसकी ज्यादा आएगी, A की, A की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी B से। अगर Q यहां होता V यहां होता और V आए Q आए तो ऐसे कर सकते हो उसको। आ गया समझ में, तो मैंने आपको एक स्लोप का बताया था, एक तो कैपेसिटेंस का निकालने का। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मैंने लाइन डाल के भी उसको समझाया था आपको, बाकी सबसे बेस्ट तरीका होता है, सही जो होता है वो यही है आपके सामने, ठीक है। और दूसरा अगर शॉर्टकट सीधा बताया था, क्या कहा था कि आप क्या करें, यहां से एक लाइन डाल दें एक पर्टिकुलर एक वोल्टेज के ऊपर, तो यहाँ पे एक तो ये कर्व बन जाएगा इस पॉइंट के लिए, इस कर्व के लिए पॉइंट बन जाएगा। यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो क्यू ए होगा, यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो क्यू बी होगा, ठीक है। दूसरा बता रहा हूं आपको, फॉर द सेम वोल्टेज, एक ही वोल्टेज के लिए, फॉर सेम वोल्टेज चार्ज स्टोर किसी कैपेसिटर में बी ज्यादा, बी में ज्यादा हो रहा है कि ए में, क्यू बी ज्यादा है किससे, क्यू ए से, क्यू बी इज ग्रेटर देन क्यू ए, यानी दैट इज चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर बी इज ग्रेटर देन कैपेसिटर ए, जो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। सो सी बी इज ग्रेटर देन सी, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, स्लोप से नहीं दिखाओ तो आप इसको, ठीक है, नोट करो बेटा, आ गया होगा समझ में, नोट करते जाओ पेपर करने की। और दूसरी बात बेटा, नकल करके ना करा करो, चीटिंग करके मत किया करो, क्वेश्चंस को ईमानदारी से करने की कोशिश किया करो, जितना आए उतना किया करो, और जितना आए क्या मेहनत करे ना इस टाइम पे बेटा, जो इस टाइम पे कर जाएगा मेहनत वो सबसे आगे निकलेगा। ये मत सोचना कि ठीक है वो भी नहीं करा तो मैं भी ना करूं, कंपेरिजन कर अपने अच्छे बच्चे से, ना कि किसी वीक बच्चे से, वो भी करा मैं भी कर लूं, तो ऐसे ना करे ना, बहुत अच्छे बच्चे हो, काम करो बढ़िया से, बड़े बड़े नंबर आएंगे, टेंशन ना लो नंबरों के, आप बस जी लगा के लग जाओ अच्छे से, कर लिया ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर एंड ऑन इमर्सिंग इट इन टू ऑयल इज 100 माइक्रोफेराड एंड 200 माइक्रोफेराड रिस्पेक्टिवली, द इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द ऑयल इज, यानी कि डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होगा ऑयल का, उसने दे रखी कैपेसिटेंस इन किस पैरेलल, एयर में, एयर में यानी कैपेसिटेंस इन एयर में वैक्यूम कह सकते हैं, वो दे रखी है 100, क्वेश्चन नंबर 5, 100 माइक्रोफेराड, और कैपेसिटेंस इन ऑयल, ऑयल का मतलब क्या होता है मीडियम, वो दे रखी 200 माइक्रोफेराड।
उसने पूछे थे कि डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना होगा, तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है के, और के क्या होता है सी एम डिवाइड बाय सी नॉट, तो कितना आंसर आएगा टू, बस बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स क्या है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द टू कैपेसिटर्स इन सीरीज इज 3 माइक्रोफेराड, इन पैरेलल 16 माइक्रोफेराड, इंडिविजुअल कैपेसिटर्स आर, इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो दे रखी है ऑफ द टू कैपेसिटर्स इन सीरीज, तो सीरीज का मतलब ये हो गया कि C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इज इक्वल टू है 3, ठीक है, और उसने दे रखी है पैरेलल, एक तो होगी ये एंड इन पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या होता है सीपी, सीपी क्या बनेगा एंड C1 प्लस C2 एंड C1 प्लस C2 16 माइक्रोफेराड, C1 और C2 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्या करोगे बताओ सर, आप क्या करो इस C1 प्लस C2 की 16 वैल्यू यहां पुट कर दो, ये 3 माइक्रोफेराड थी 16 कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू यहां पुट करो, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा C1 C2 डिवाइड बाय हो गया 16 इज इक्वल टू हो गया 3, इसको इधर ले जाओगे कितना बनेगा 48, तो C1 C2 का प्रोडक्ट हो गया 48। आप यहां से किसी की भी एक की वैल्यू निकाल लो, जैसे हमने यहां से C1 की वैल्यू निकाली या C2 की वैल्यू निकाली, कुछ भी मर्जी आपकी, तो C2 क्या जाएगा 48 डिवाइड बाय C1, ठीक है, C2 क्या आएगा 48 डिवाइड बाय C1, अब C2 की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो, यहां पे पुट इन सेकंड क्या आएगा बताओ, पुट इन सही है, तो ये क्या बन जाएगा C1 प्लस C2 क्या हो गया 48 डिवाइड बाय C1 इज इक्वल टू 16, एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा C1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा 48 और इज इक्वल टू आ जाएगा 16 C1, मैं 16 C1 को इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा C1 स्क्वायर माइनस 16 C1 एंड प्लस 48 इज इक्वल टू 0, ये क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पेयर से सोल्व कर सकते हो या फिर डी माइनस ऑफ डी क्या होती है माइनस ऑफ बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, आप उसको सोल्व कर सकते हो उससे भी, हम इसको इस डायरेक्ट पेयर बन लेवल से आप कर सकते हो C1 स्क्वायर 12c1 माइनस 4c1 हो गया 16 और इनका प्रोडक्ट कितना आएगा 48, करो सोल्व उसको कितना आया, इसमें C1 कॉमन तो आ जाएगा C1 माइनस 12 और यहां से माइनस 4 कॉमन C1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दो पेयर बन गए C1 माइनस 4 एंड C1 माइनस 12, ये दो पेयर बन गए आपके, ठीक है इक्वल टू 0, आप इसको क्या कर सकते हो उसी तरह कर सकते हैं ना, हम इसको उसी तरह कर सकते हैं कि भाई एक तो आ जाएगा सीधा C1 आ जाएगा 4 और या C1 आ जाएगा 12, दोनों में से कोई वैल्यू हो सकती है, यानी या तो 4 भी हो सकता है या 12 भी हो सकता है, यहाँ C1 की वैल्यू, अब जब C1 पता चल गया तो C2 भी निकाल सकते हो, इसकी वापस वैल्यू सेकंड में पुट कर दें, पुट इन सेकंड, तो यहां से C2 अगर 4 पुट करोगे C1 के जगह तो 4 इधर आएगा तो ये बन जाएगा 12, या फिर अगर आप 12 पुट करोगे इसके 12 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 4, तो या तो C1 4 होगा तो C2 12 होगा, C2 4 होगा तो C1 12 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हुआ, ठीक है, तो ये सीरीज था ये पैरेलल था, दोनों को कंबाइंड यानी कि वैल्यू निकालेंगे तो इनकी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस आ जाएगी 4 माइक्रोफेराड एंड 12 माइक्रोफेराड, कोई भी ले सकते हैं दोनों में से आप, ठीक है, करो नोट उसको जल्दी से, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर सेवन है बेटा, इन एन ग्रुप्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी
coalesce to form a single big drop, then the ratio of energy stored in the big drop to that in each small drop will be. अगर total n drop है, सभी मिल जाएं और मिलके एक बड़ी drop बन जाए, then the ratio of energy stored in the big drop to the in small drop. यानी big drop के जो energy stored होगी, उसको क्या करना है? Ratio निकालना है to the small के साथ में. ठीक है? तो मैं energy stored निकालने से पहले, energy stored क्या होता है? Half CV square. तो मैं पहले इसमें क्या करूं, या हाफ क्यू इंटू वी भी ले सकते हो उसमें, क्यू स्क्वायर बाई टू से भी ले सकते हो उसमें, कोई भी ले सकते हो उसमें आप. लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करवा देता हूं कि पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा अगर एन ड्रॉप से मिलके एक बिग ड्रॉप बन जाए, कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा एन ड्रॉप मिलके एक बड़ी ड्रॉप बन जाए, और फिर एनर्जी स्टोर पे. फिर उनका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके आप आंसर निकाल दिया हो उसमें. तो देखो पहले पोटेंशियल पे क्या होगा, पोटेंशियल का इस पे क्वेश्चन बताता हूं पहले आपको. तो पेपर होने से ये फायदा होता है ना कि कोई क्वेश्चन निकल के आएगा तो उसका जो बेसिक है बचा हुआ हम आपको करवा सकते हैं ढूंढ के. देखो पोटेंशियल पे क्या होगा, तो पोटेंशियल कैसा स्फेरिकल है ना, तो पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है, के क्यू डिवाइड बाई आर. ये क्या हो गया, अगर चार्ज क्यू रेडियस आर अगर मान ले दो है, एक तरह से एक है स्मॉल और एक है लार्ज. एक है ये स्मॉल होगी, स्मॉल स्मॉल करके कई मिलेंगे ऐसे, ये एन है और इनसे मिलके एक बड़ी बनगी ये वाले, ये एन स्मॉल ड्रॉप है और एक बिग ड्रॉप है, ये एन स्मॉल ड्रॉप है और ये एक बिग ड्रॉप है. ये क्वेश्चन है, तो एक कोलैप्स होके ऐसे बन जाती है. तो आप ये बताएं इन ये स्मॉल रोनों की तो रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, हर एक का एक के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है क्यू, और जो लार्ज हमारे पास है ड्रॉप उसकी जो रेडियस मान लेते हैं वो मान लेते हैं कैपिटल आर, और उसके ऊपर जो चार्ज हो गए टोटल क्यू हो गया. ठीक है चलो, तो आप एक ड्रॉप का, एक ड्रॉप का पोटेंशियल हो गया के क्यू बाई आर. क्लियर, टोटल हमारे पास कितनी ड्रॉप है, हमारे पास ड्रॉप है एन ड्रॉप्स, कितनी एन ड्रॉप्स. तो अगर मैं ये कहूं तो इसको कह सकता हूं ना कि ये एक स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल है, Vs, पोटेंशियल ऑफ द स्मॉल ड्रॉप. लिख देता हूं चलो मैं, पोटेंशियल ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप यानी Vs, दिस इज इक्वल टू के क्यू आई आर. ठीक है, और अगर ये मिल जाए तो एक बिग ड्रॉप बन जाती है, तो पोटेंशियल ऑफ ए बिग ड्रॉप, एक दो बिग ड्रॉप बनेगी उसका पोटेंशियल कितना आएगा, वी बी कितना होगा के क्यू डिवाइड बाई आर, क्योंकि इसका चार्ज क्या है क्यू, रेडियस कितनी है आर. अब इसके बाद ये है कि क्यू कितना है और आर कितना है ना. क्यू कितना होता आपको पता है, चार्ज तो लॉस नहीं होता अगर ये ऐड होंगे तो, ये तो एक ड्रॉप के ऊपर चार्ज स्मॉल क्यू, टोटल ड्रॉप एन, तो टोटल चार्ज हो जाएगा एन क्यू, क्यू पता चलेगा. अब बचा कौन, आर, तो वे क्यू इक्वल टू हो गया एन इंटू क्यू. अब बचेगी रेडियस, रेडियस जब ये सारे ड्रॉप मिलके एक बड़ी ड्रॉप बनेगी तो जितनी वॉल्यूम इन सब की है उसकी वॉल्यूम इसी की इक्वल तो होगी, वॉल्यूम रिमेंस कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम रिमेंस कॉन्स्टेंट. इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप्स, वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप्स is equal to volume of a big drop, volume of a big drop. तो n drop की volume कितनी आएगी, n into 4 by 3 pi r cube पढ़ेंगे, और एक big drop की बन जाएगी 4 by 3 pi r cube. ठीक, 4 by 3 pi से 4 by 3 pi cancel. हमें क्या निकालनी थी, हमें निकालनी थी
कि आर की वैल्यू, तो आर क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू आर क्यूब, और ये आर क्यूब इधर जाएगा तो 1/3, तो ये हो जाएगा एन की पावर 1/3 एंड आर की पावर 3 और उसकी पावर 1/3, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया कैंसिल। तो हमारे पास ये आर हट गया क्यूब यहां से, तो जो आर आया वो कितना आया, ये आ गया एन की पावर 1/3 ऑफ आर, ये आ गई रेडियस। तो याद रखना अगर एक बिग ड्रॉप बन जाती है, कितनी भी ड्रॉप है, ड्रॉप 8 है तो कितनी हो जाएगी 8 हुआ, तो 8 को हम क्या कर सकते हैं, n इक्वल टू 8 होगी, तो क्या बनेगा r इज इक्वल टू, मैं 8 को 2 की पावर 3 कह सकता हूँ, 8 को, तो n की जगह मैंने क्या रख दिया 2 की पावर 3, और इसके ऊपर पावर कितनी है 1/3 ऑफ r, इसका मतलब ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो रेडियस हो आएगी बड़ी ड्रॉप की वो ट्वाइस होगी, समझ गए। तो ये हमारे पास अगर 8 ड्रॉप हुई तो कितनी रेडियस हो जाएगी, डबल हो जाएगी स्मॉल से, तो एक एग्जांपल लेके बताया मैंने आपको, तो रेडियस का पता चल गया। तो r इक्वल टू क्या आएगी 1/3 ऑफ r, ठीक है, इधर एक नोट करो सारा, नोट करो सारे भैया, इधर का मिटा दो इसका, देखो तो अब आप क्या करें, इक्वेशन सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्या बनेगा, फ्रॉम सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्या बना बेटा, बिग ड्रॉप का पोटेंशियल के, क्यू कितना है एन क्यू डिवाइड बाई आर, आर कितना है n टू पावर 1/3 और n टू r, हम इसको ये भी कह सकते हैं ना, क्या ऊपर n है n की पावर 1 है और नीचे जाएगी n की पावर कितनी होगी -1/3 होगी, यहाँ पावर कितनी इसकी 1 है, n टू k क्यू बाई r, n टू k क्यू बाई r, ये कितना बनेगा बेस से मैं तो पावर क्या हो जाएगी एड, तो कितने बन जाएगा 3 ऐसे होगा ना 1 - 1/3, 3 LCM, 3 - 1 = 2/3, तो ये बन जाएगा 2/3, तो VB पोटेंशियल ऑफ ए बिग ड्रॉप n टू पावर 2/3 एंड KQ by R क्या है VS, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 5, और हम इसको ये कह सकते हैं ना ये पोटेंशियल का कि पोटेंशियल कितना आएगा अगर n ड्रॉप होंगी, तो पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n टू पावर 2/3 ऑफ पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल ड्रॉप, ये आएगा बेटा इसका कॉन्सेप्ट पोटेंशियल का। फॉर एग्जांपल वे वाला एग्जांपल ले लेते हैं, अब ये एक याद रखना डायरेक्ट, अब हमारे पास अगर एग्जांपल आ गया, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास टोटल जो ड्रॉप है, टोटल जो स्मॉल ड्रॉप थी वो 8 थी, 8, और आप सही पूछा जाए, और ये दिया गया है कि स्मॉल ड्रॉप का जो पोटेंशियल है, स्मॉल ड्रॉप पोटेंशियल वो 2 वोल्ट है, हमें बिग ड्रॉप का पोटेंशियल निकालना है कितना है। अब इसका क्वेश्चन को डायरेक्ट एक लाइन में हमें करना है, बढ़ाना नहीं इस क्वेश्चन को, हमें डायरेक्ट करना है इस क्वेश्चन में भी, लेकिन आपको नहीं आता कोई बात नहीं, मैंने आपको करवा दिया है, तो बताओ कितना आएगा ये, हम टोटल ड्रॉप का मतलब कितनी होगी n, n कितना होगा 8, यहां पुट कर देंगे, तो VB इज इक्वल टू 8 पावर 2/3 इनटू पोटेंशियल ऑफ द स्मॉल ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है 2, 8 को हम क्या कह सकते हैं, 8 को मैं कह सकता हूं 2 to the power 3 और उसकी पावर कितनी 2/3, कितना आया मल्टीप्लाई बाय 2, इसको सॉल्व करें ये क्या हो जाएगा 3 कैंसिल, 2 की पावर कितनी आ गई 2, कितना हुआ 4 इंटू 2 कितना है 8 वोल्ट, टोटल पोटेंशियल कितना आएगा बिग ड्रॉप का 8 वोल्ट आएगा। आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, टोटल ड्रॉप होगी 27
तो 27 को हम क्या कर सकते हैं, 3 to power 3, तो ये हो जाएगा 3 to power 3, 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 3 to power 2 बचेगा कितना आ जाएगा 9 ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो 8 27 इस तरह से आपको वैल्यू मिलेंगे, 64 आएंगे ड्रो, और क्विज के नहीं मिलेंगे आपको, न्यूमेरिकल मिलेंगे तो लॉजिकल न्यूमेरिकल मिलेंगे, नहीं दिया कि ड्रो पे मानो कितनी 4 या ड्रो पे कितनी 6, ऐसे निकल के आएगा तुम्हारा। हमें वैसे क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे जिनमें पावर एग्जैक्ट ये 3 to 3 कैंसिल हो जाए, यानी जिनके पावर 3 एक इंटीजर नंबर आ जाए, जैसे 8 है, 27 है, 64 है, इस तरह से वैल्यू आएंगी। तो किसी भी स्मॉल ग्रुप का पोटेंशियल अगर आपको मिलेगा तो बिग ग्रुप का पोटेंशियल निकाल लेंगे ऐसे। तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखें, पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, नोट करो इस क्वेश्चन को। पोटेंशियल का क्वेश्चन ये डाल लेना क्या कि इफ एन ड्रॉप्स आर कोलैप्स, इफ एन ड्रॉप्स आर कोलैप्स एंड द पोटेंशियल ऑफ द स्मॉल ड्रॉप इज Vs, then what is the potential of the big drop? Big drop. तो हम इसको ऐसे निकाल लेंगे, यहां तक निकाल लेना। For example, एक आप इसको सोल्व कर देना। ये पेपर से हटके क्वेश्चन है, पेपर में ही उसमें क्या करो तो कर देना, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को जो पोटेंशियल का जो चैप्टर था फर्स्ट यूनिट जो थी उस फर्स्ट यूनिट में इसको कर देना, फर्स्ट यूनिट में, ठीक है, वहीं पे इसको लिख देना, ओके। तो इसको फर्स्ट यूनिट में कर लेना, सही रहेगा, क्योंकि तो आपने छोड़े रखे होंगे, तो फर्स्ट यूनिट में करना इसको। अब उसके बाद क्या थी, पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल के बाद क्या निकालना था, कैपेसिटेंस। सेम बात आती है कि भाई किसी भी एक स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल है ना, कैपेसिटेंस है स्मॉल का सीएस, हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस ऑफ ए बिग ड्रॉप इफ एन ड्रॉप्स आर कोलैप्स। चलो बेटा अब निकालते हैं कैपेसिटेंस। देखो कैपेसिटेंस भाई, तो कैपेसिटेंस पे क्या होगा, बेटा दो समय तो कैपेसिटेंस में सबसे पहले तो भाई कैपेसिटेंस ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप कैसे है, स्फेरिकल, और स्फेरिकल की कैपेसिटेंस मैंने आपको लिखवाई थी 4πε0 × r। अगर उसमें कोई मीडियम नहीं है, मीडियम होता तो k × ε0 आ जाता, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप आ गई 4πε0 × r, जिसको आप cs डाल देना, cs, cs का मतलब कैपेसिटेंस ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप। अब कैपेसिटेंस ऑफ ए बिग ड्रॉप, कैपेसिटेंस ऑफ ए बिग ड्रॉप ऑफ ए बिग ड्रॉप, बिग ड्रॉप में क्या करोगे, 4πε0 × R, कैपिटल R, ठीक है। इक्वेशन ये होगी फर्स्ट, ये होगी नंबर सेकंड। तो यहां पे तो चार्ज का तो कोई चक्कर नहीं है, सीधा किस कर सकते हो, ओनली ओनली किसके काम, ओनली रेडियस, रेडियस का कॉन्सेप्ट है, तो रेडियस रेडियस के लिए हम करेंगे इसमें, तो रेडियस का निकाल रखा सीधा, जस्ट ये दो लाइन लिखने के बाद ये लाइन लिखना सभी, वॉल्यूम रिमेंस कॉन्स्टेंट, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए बिग ड्रॉप। तो आर हमारे पास कितनी आई, n² / 1/3 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई आर, इस ये फर्स्ट ये सेकेंड ये थर्ड, ये होगी थर्ड, तो इसकी वैल्यू को पुट इन सेकेंड में पुट कर दें, क्या बना बनाओ बेटा, पुट इन सेकेंड, पुट इन सेकेंड। तो पोटेंशियल ना कैपेसिटेंस ऑफ ए बिग ड्रॉप कितनी आई, 4πε0 × r, r कितना है n² / 1/3 × r, और 4πε0 ये जो हमारे पास था ये सारा, ये सब
फोर पाई एप्सिलॉन इनटू आर क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए बिग ड्रॉप कितनी होगी, कितनी आएगी बेटा, एन टू पावर वन बाई थ्री ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप मल्टीप्लाई बाई स्मॉल ड्रॉप। यस सेम एग्जाम्पल इसके बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वही सेम क्या टोटल स्मॉल ड्रॉप है कितनी पावर वन बाई थ्री, तो वही मिलेंगे 827 से। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप कितना मान लेते हैं, वन माइक्रोफेराड, दो माइक्रोफेराड। हमें किसका निकालना है, लास्ट ड्रॉप का उसकी कैपेसिटेंस, तो कितना आएगा सीधा सा, सो इसमें क्या होगा इसका, तो सी बी इज इक्वल टू एन टू पावर वन बाई थ्री, एन कितना है एट, एट टू पावर वन बाई थ्री, और स्मॉल ड्रॉप का कितना है टू, एट को क्या कर सकते हो वन बाई थ्री, टू टू पावर वन बाई थ्री और उसके पावर टू टू पावर थ्री और उसके पावर वन बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई टू कैंसिल, कितना आएगा टू प्लस, और टू इंटू टू कितना मिलेगा फोर, तो फोर माइक्रो। तो हमारे पास एक बिग डॉग की कैपेसिटेंस आ जाएगी फोर माइक्रो फैराड। तो ये हो गया क्या हमारे पास कैपेसिटेंस, पोटेंशियल था एन टू पावर टू बाई थ्री और कैपेसिटेंस है एन टू पावर वन बाई थ्री। नोट करो उसको भी पूरा, इस टॉपिक को उस टॉपिक को क्या लिखा था हमने पोटेंशियल के अंदर, इस टॉपिक को क्या लिखोगे कैपेसिटेंस के अंदर, इसको कैपेसिटेंस में लिखना बेटा सारे को, ठीक है, कर लिया होगा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ओके मिटाते हैं। चलो अब जो उस क्वेश्चन था वो क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था सेवन, और सेवन को कैसे सोल्व करोगे और उसको देखो, उसमें ये दोनों कॉन्सेप्ट डायरेक्ट यूज करना, आपको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, आपने उस पेपर में ड्राइव करके दिखा रखा है, क्योंकि ये एक ही नंबर का क्वेश्चन था, तो एक नंबर के क्वेश्चन में अगर ड्राइव करने लगोगे तो सारा दिन में चार पांच क्वेश्चन सॉल्व करोगे ढाई तीन घंटे में, तो क्या फायदा होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेवन को कैसे करोगे, तो एनर्जी स्टोर्ड ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप, एनर्जी स्टोर्ड ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप यूएस दिस इज इक्वल टू हाफ सी एस वी एस स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही एनर्जी स्टोर्ड ऑफ ए बिग ड्रॉप जो बनेगी एक बड़ी ड्रॉप उसका उसका हो जाएगा यू बी इज इक्वल टू हाफ सी बी इंटू वी बी और स्क्वायर, इन दोनों को निकाल दो रेशियो यू बी डिवाइड बाई यूएस, हाफ से हाफ हो गया कैंसिल, तो सी बी वी बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी एस वी एस स्क्वायर, ठीक है वेल पुट कर दो। तो बिग ड्रॉप की कैपेसिटेंस कितनी थी एन टू पावर वन बाई थ्री ऑफ सी कौन सी एस सी बी के जगह पुट कर दिया राइट हमने, वी बी कितना था वी बी था एन टू पावर टू बाई थ्री ऑफ वी एस था ना, वी बी की वैल्यू क्या थी एन टू पावर टू बाई थ्री ऑफ वी एस और उसका क्या है होल स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे क्या है सी एस वी एस स्क्वायर, सी एस से सी एस क्या हो गया कैंसिल, यहां वी एस का भी क्या होगा स्क्वायर, तो वी एस का स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहां से क्या बचा बेटा यू बी डिवाइड बाई यू एस इज इक्वल टू एन टू पावर वन बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई पावर पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, तो एन टू पावर फोर बाई थ्री फोर बाई थ्री बेस से में पावर क्या हो जाएगी एड, तो हमारे पास यू बी डिवाइड बाई यू एस एन टू पावर आ जाएगा फाइव बाई थ्री। तो रेशियो पूछा था तो ये निकाल लिया हमने,
और अगर आपको भाई ये बताओ भाई कितना मल्टीप्लाई कितना गुणा होगा उसका, तो ये आ जाएगा n टू पावर 5 बाई 3 ऑफ यू एस। और एनर्जी स्टोर्ड ऑफ ए बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n टू पावर, जो पावर क्या होंगे ड्रॉप होंगी उनकी पावर 5 बाई 3 होगी स्मॉल ड्रॉप की एनर्जी स्टोर के। तो ये आपको करना था, ये मैंने आपको बड़ा करके दिखाया है, आप इसको भी डायरेक्ट से ये मत लिखो सही, आप बाद में देखोगे नहीं आएगा समझ में तो लिखवा दिया, नहीं तो आपसे देखो यू बी बाई एस ये बनेगा। आप इसको ये लिखो काटो पीटो जल्दी उसको सोल्व कर दिखा दो छोटे में। तो एनर्जी स्टोर्ड ऑफ द बिग ड्रॉप एन टू पावर 5 बाई 3 ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। चलो नोट कर लिया, ठीक है क्वेश्चन नंबर आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर काफी बड़ा हो गया क्वेश्चन नंबर, ये अपलोड नहीं हो पाएगा। इससे आगे हम अगला लेक्चर लेंगे, अगले जो क्वेश्चंस बच गए 8 to 17 तक वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं इसमें। ठीक है ओके, तब तक के लिए बाय, खुश रहो।